الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال الله تبارك وتعالى: انه لقول فصل وما هو بالهزل، صدق الله العظيم. सली لي महम्म من वसलम रबरी يا अमरी العالمين. आपके इल्म है कि यहाँ इस वक्त सुबह से अंजुमन खुदाम कुरान सिंध कराची का छत्तीसवा सालाना इजलास ए जी एम उसका इनकाद हो रहा है और उसी के तससल में इस वक्त अभी ये खिताब आम है जिसका उनवान रखा गया है कुरानी हकीम का इनकलाबी मंशूर बानी तंजीम इस्लामी उस्ताद मोहतरम और सदर और मौसिस अंजमदाम कुरान डॉक्टर इसरार रमत साहब रहमत आल सदर कहने का मतलब माजी के सदर डॉक्टर इसरार साहब रहमत ने उन्नीस सौ बहत्तर में मरकज़ी अंजुमन को कायम फरमाया कुरानी हकीम की नशर वशात के लिए तलीम के लिए तदरीस के लिए और उसके पैगाम को आम करने के लिए और उन्नीस सौ पिचत्तर ही में उन्होंने तनज़ीम इस्नामी को कायम फरमायालबाकामत दीन की जद्दोजहद के अतबार से चुनाची दोनों इदारे अंज़मल ख़ुदाम कुरान अवल मरकजी लाहौर में और फिर उसी की बहुत सारी शाखें ब्रांचेस पाकिस्तान भर में जिनमें सबसे जुड़ी ब्रांच और शाख यही अंजुम ख़ुदामसन खुद कराची है जिसका छत्तीसवा सालाना इजलास आज मनद हो रहा है और कुरानी हकीम की तलीम कुरानी हकीम की नशर वशात कर्नि हकीम की ज़ुबान उसको इम्पार्ट करना कुरानी हकीम का बुनियादी पैगाम भी फिर वो लोग के जो कुरानी हकीम बल्कि कुरानी हकीम जिनको पज़ेस कर ले और जो अपनी ज़िंदगी का उड़ना बिछोना तालीम व ताल्लम कुरान को बनाएं उनकी तरबियत का मामला और मुल्क भर से आगे बढ़कर आलमी सतह पर भी जो भी जराए इस वक्त अल्लाह ताली ने अता फरमाए उनके ज़रिए कुरानीम की तलीम और तरवीज इस हवाले से सुबह यहाँ पे एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर दी गई है और उसके हवाले से जो भी जबते की कार्रवाई लजिसशन के तकादे हुआ करते वो अलहमदिल्ला पूरे हो गए यह बयान करने का मकसद ये कि जो लोग फ़कत खिताब आम के लिए आए हैं उनके इल में भी रहे कि अंजम ख़ुदाम कुरान सिंह कराची ये भी डॉक्टर सराज साहब रहमत ली के मिशन का हिस्सा है और तनजीम इस्लामी जिसकी दावत पर इस वक्त आप हज़रा ख़्वीन तशरीफ़ लाए हैं इस आवामी ख़िताब के लिए जिसका मौजू है कुरानी हकीम का इनकलाबी मंशूर ये तंजीम इस्लामी भी डॉक्टर सरा साहब रहमत ने क़ायम फ़रमाई सुबह सदर अंजुमन नुमान अख्तर साहब ने जिक्र किया था कि डॉक्टर सरार साहब रहमत लाई की ख्वाहिश भी होती थी और ये नसीहत भी उनकी है और ये वसीयत भी उनकी है कि जो लोग तंजीम इस्लामी में अगर शामिल हैं वो अंजुम ख़ुदाम कुरान की भी रुकन बने और उसमें अपना ताउन पेश करें ताकि ये दोनों इदारे हम मिलाकर लेकर चल सकें इसी तरह वो लोग जो अंजुम कुरान के मेम्बर्स हैं अरकान हैं वो तनजीम इस्लामी की शमूलियत अख्तियार करें उसमें शामिल हों ताकि इन दोनों इदारों में हम आहंगी हो और इन दोनों इदारों का मिलजुल कर साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें कुरानी हकीम का पढ़ना पढ़ाना सीखना सीखाना तालीम तलम कुरानी हकीम की नशर वशात कुरानी हकीम की तरवीज़ कुरानी हकीम के मैसेज को इम्पार्ट करना ये एक काम है नबी मिशन का और कुरानी हकीम के तकादों पर अमल दरामद करने की कोशिश कुरानी हकीम की दावत को आगे बढ़ाने से बढ़कर कुरान हकीम के अताकर्दा निज़ाम को कायम करने की जिदोजहद करना यह भी कुरानी हकीम का तकादा है चुनाचे जो तलीमु कुरान के साथ कुरान हकीम के पढ़ने पढ़ाने के साथ वास्त हैं उनको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और गलबो कमत दीन की जिदोजहद में अपना हिस्सा डालना चाहिए जिसके लिए तनजीम इस्लामी का प्लेटफॉर्म अलहमदुल्लह मौजूद है और जो तंजीम इस्लामी में शामिल हैं डॉक्टर शराज साहब बानिय तंजीम रहमत फरमाते थे वजुमन ख़ुद नाम कुरान का भी हिस्सा बने उसमें भी अपना तान पेश करें उसकी भी रुकत इख्तियार करें ताकि इन दोनों इदारों को हम साथ लेकर आगे बढ़ सकें अल्लाह ताली इन दोनों इदारों की हिफाजत भी फरमाए अल्लाह ताली हमारे तमाम को जुम्मन खुदाम में हो तंजीम इस्लामी में हो हम सबको अल्लाह ताली इखलास से नीयत अता फ़रमाए और इन तमाम अमूर और कामों में अल्लाह सुबहान तब को अपनी मदद और नुसरत और तइन मजीद अता फ़रमाए इस तमहीद के बाद एक तमहीद और है और इसके बाद इन आज के मौजू पर हम कलाम शुरू करेंगे जो कि है कुरानी हकीम का इनकलाबी मंशूर इस हवाले से मुझे ग्यारह निकात आपके सामने रखने हैं ग्यारह पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ के जेल में बानिय तंजीम इस्लामी डॉक्टर सरार साहब रहमत के कुछ किताबचों का जिक्र भी इन जाएगा और इन ग्यारह निकात के दरमियान में एक आपको तकरीबन साढ़े सात मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी अंजुमन खुदाम क़ुरान सिन् की कारदगी और एक्टिविटीज के हवाले से तो एक सवा घंटे की गुफ्तु के दौरान नेचुरली एक ब्रेक भी आ जाएगा इन शी और जो लोग सुबह शरीक नहीं थे इन शाला उनके सामने में अंजुमन ख़ुदाम कुरान सिंह की एक्टिविटीज का एक जायजा आ जाएगा तो पहले एक तमहिरी बात मैंने आपके सामने रखनी है इन का मौजू है कुरान हकीम का इनकलाबी मंशूर उस पर ग्यारह बातें मैं आपके सामने रखूंगा तमहरी बात यह है कि जब हम कुरानी हकीम के ताल्लुक से कलाम कर रहे हैं और कुरानी हकीम के इनकलाबी मंशूर पर आज बात कर रहे हैं तो इस बात का अदा फिर से हो जाए कि जब हम और हमारे प्लेटफॉर्म से कुरानी हकीम का जिक्र होता है तो कुरान जमा साहिब कुरान ये दोनों बातें जहन में रहनी चाहिए सल्लल्लाहु सल्हुस फितना तो पुराना है लेकिन फिर दोबारा वो उठ रहा है कि कुरान इज़ इन नथिंग मोर इज़ नीडेड द कुरान कुरान हमारे लिए काफ़ी किसी होश है कि हमें जरूरत नहीं है यह गुमराह कन फितना है ख़ुद कुरानी हकीम कुरान की तबियन कुरान की तशरी कुरान की वजाहत कुरान की एक्सप्लेशन कुरान की एलैबोशन जिम्मेदारी करार देता रसूल अक्रम की तो अलबत्त सिर्फ याद दहानी कि जब हम कुरान के इनकलाबी मंशूर पर बात कर रहे हैं तो जहन में रहे कि तफसीरत मिलेंगी साहिब कुरान के जरिए

कुछ मकाम पर कुरानी हकीम ने जुजियात बयान की हैं अलबत् अक्सर मामला ज़िंदगी के हवाले से और सिस्टम्स को इस्टबलिश करने के हवाले से कुरानी हकीम ओसूल अता करता है ख़ास तौर पर सियासी निज़ाम के हवाले से माशी निज़ाम के हवाले से अदलिया के पहलू के अतबार से कुरान ओूल अता करता है अलबत् उनूलों की वजाहत और उन असूलों की तफसीत वो साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा में अता करते हैं इसी तमहीद का एक और नुकता हकीम और की पर मबनी एक माशरा अगर हमें देखना है तो वह साहब कराम रजी अल्लाह तजमैन की जिंदगी में जाकर देखना होगा कुरान कैसा माशरा चाहता है साहिब कुरान ने कैसा माशरा तरतीब दिया कुरान निज़ाम कैसा चाहता है साहिब कुरान ने कैसे निज़ाम की तशरीफ फरमाई उसकी अमली शक्ल अगर देखनी है तो वो साहब कराम के सामने बैठकर जानवे तलम तय करना यानी शागिद बनकर बैठना पड़ेगा वहां से वो अमली शक्ल माशरे की और कुरानी निज़ाम की हमारे सामने आएगी तभी अल्लाह के रसूल अक्रम सल वसम ने फरमाया है खैबलकुरूनी करनी तमामवार में बेहतरीन दौर मेरा अपना दौर है का औरूर के साथ उनके सहाबा मौजूद है रजीम अजमैन या रसूल फरमात सुन्नति व सन्नतफा महदीन तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना लाजि है और मेरे खलफा जो हिदायत याफ्तः है मेरे सहाबा उनकी सुनत पर अमल करना लाजिम है यह आज के मौजू याम का इनकलाबी मंशूर इसके बयान से कबल ये तमहि थी के हम जब कुरानी हकीम के मंशूर के हवाले से बात कर रहे हैं तो कुरान की तशरी ताबी, तफसीर वो महमद मुफ़ा से मिलेगी सल्लम हम जब कुरानी हकीम के मंशूर के तालु से कुछ नुकतों पर कलाम कर रहे हैं तो तफसलत और आमली नमूना मिलेगा मोहम्मद मुफ़ा से सल्हुस और मकाम पर हमें असूल अता फ़रमाता है उनसूलों की तशरी और ताबीर वो महम्मद मस्तफ़ा बयान फरमाते सल्ला वम और तमहेद का आखिरी नुकता यह था कि कुरानी हकीम कैसा हमें अता करना चाहता है या देखना चाहता है कुरान का जो निजाम है वो अमली शक्ल में क्या है तो वह कुरानी और वह कुरानी निज़ाम अगर देखना है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा रजी अल्लाह तजमइन के यहाँ जाकर हमें देखना होगा इस तमहीद के बाद अब आइए आज के मौजूद का आगाज करते हैं और दरमियान में एक अदर डॉक्यूमेंट्री भी आपके सामने प्रजेंट कर देंगे सबसे पहले जो नुकता पेश नजर है वह है शरफ़ इंसानियत का मामला यानी पुरानी हकीम इंसान की अजमत को और उसके शरफ़ को और उसके मकाम को और जो कुछ अल्लाह उससे अता फरमाना चाहता है और जहाँ अल्लाह उससे देखना चाहता है इस सब कुछ को बयान करता है इस नुकते को बयान करने की हाजत क्या है कुछ दिनों पहले हमारे एक साथी ऑस्ट्रेलिया से तशीफ लाई एक मैसेज उन्होंने मुझे शेयर किया खातून ने एक कंपनी में जॉब करती थी कहा कि आई एम ए डॉग मम मैं कुत्ते की माँ हूँ तो जैसे कॉर्परेट सेक्टर के अंदर अपने स्टाफ को इंगेज फैसिलिटेट किया जाता है एकोमोडेट किया जाता है कुछ मामला के हवाले से तो मुझे थोड़ा जल्दी छुट्टी दिया करें क्योंकि मेरा कुत्ता जो है जिसकी मैं माँ हूँ वो डेट केयर सेंटर में रहता है ताकि मैं उसको जल्दी पिक कर सकूँ आज वहाँ कुत्तों और बिल्डिंगों के लिए जायदादें भी वफ की जा रही और कुत्तों और बिल्लियों के साथ वक्त भी गुजारा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में जाना हुआ सिडनी के एक पार्क में कुछ साथी दिन का वक्त था दर्श देना मुमकिन नहीं था तो पार्क ले गए थे मुझे तो उन्होंने दिख, मैं देखा तो एक बूढ़ा बैठा हुआ है शराब भी उसके सामने रखी हुई पिज्जा भी रखा हुआ है और मैगजीन्स भी रखे हुए लैपटॉप भी मौजूद है और दो कुत्ते भी मौजूद है मैंने कहा ये क्या है समझ तो आ गई थी कहा बस ये कुत्तों के साथ बेचारा टाइम पास करता है और हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान कहता है, है वह बनीना व हफा दा अला ने तुम्हें बेटे भी दिए और अल्लाह ने तुम्हें पोते भी अता किए वैसे ही नुकता तो आगे आ जाएगा लेकिन आज लोग कुत्तों को अपनी औलाद करार दे रहे हैं आज कुत्तों के लिए अपनी विरासत में हिस्से मुकर कर रहे हैं आज कुत्तों को एंटरटेन करने के लिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी करने का तकादा कर रहे हैं तो इंसानियत तो शायद कहीं खो चुकी है और कुत्ते पन को इख्तियार करने पर लोग आ गए इन्ना वाज और कहीं इंसान की वह तजलील कहीं औरत की तजलील का पहलू वह मगरब ने भी किया है अगर हमारे यहाँ कोई जुलम है हम उसको कंडेम करते हैं मगर औरत की यह तजलील कि वो घर से बाहर निकल कर मर्द से कंपटीशन भी करे और घर घर हंसी के सारे उमूर को भी अंजाम देने की कोशिश करे ये दोहरा जुल्म जो उस पर लाद दिया गया बहरहाल ये अपनी जगह एक तवील मौजू है पहला आज की नशीस का अल्लाह का कलाम इंसान के शरफ को उसकी इज़्ज़त को उसकी आजमत को उसकी तकरीम को मुख्तलिफ पैदायों में बयान फरमाता है इंसान मेरा हैवान नहीं सोशल एनिमल कहना अगले नुकते में बात आएगी वो समझाने का एक अंदाज है कि इंसान सोशलाइजेशन चाहता है बकिया एसपेशज के मुकाबले में बकिया मखलूक़ात के मुकाबले में यह तनहाई में आइसोलेशन में रह नहीं सकता मुसीबत पड़ जाती है इसके लिए तो वो सोशल एनिमल कलर्स वहाँ पर समझाने के लिए ठीक है लेकिन इंसान मेरा एनिमल नहीं है इंसान मेरा हैवान नहीं है अल्लाह ताला इस तकरीम को इस शरफ़ को इंसान की इज़्ज़त को मुख्तफ पैदाइयों में बयान करके उसको मोटिवेट करता है तरगीब दिलाता है इंस्पायर करता है तश्ीश दिलाता है कभी अल्लाह फरमाता है, है।, है इंसान को बेस्टे में, सांचे में पैदा किया है। कभी है। ये तो आदम सलाम के बारे में है जब आदम के खाकी वजूद में अपनी रूह में से कुछ डाल दू एक मकाम पर हर इंसान के बारे में जिक्र आता है वन फी रू मोह ही अल्लाह ने अपनी रूह में से इंसान में फूका है आदम अल्लाम को सजना सजदा नहीं किया शैतान ने तो सात के आखिर में अल्लाह फरमाता है शैतान तूने क्यों सजदा करने से उसको इनकार किया खलको जिससे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया और वलकत करम ना बनी आदम हमने बनी आदम को तकरीम अता की और जिसने जिस कदर मखलोक़ार पैदा फरमाईस उसको तफजीलत अता फरमाई है और अल्लाह इसके शरफ को यहां तक बयान करता है फरिश्तों के सामने अल्लाह ने इसको खिलाफत देकर अपनी नुमाइंदगी देकर भेजा हालांकि मालिक मौजूद तो है तेरी तस्वीर करते हैं तकदीस बयान करते हैं तेरी हमद बयान करते हैं फिर भी इन आलमलाम जो मैं जानता मेरे फरिश्ते तुम नहीं जानते बहरहाल ये अपनी जगह ये हजरत इंसान ये अल्लाह की तखलीक का शाहकार ये उसकी क्रिएशन का मास्टर पीस जो मेरा हैवान नहीं है अल्लाह ने बहुत सारी इस्तेदाद उसको अता फरमाई बगर टॉप ऑफ द लिस के इंसान में अपनी रूह में से कुछ डाला और अपनी खिलाफत देकर जमीन पर भेजा ये कुत्तों का बाप बनने के लिए नहीं आया ये कुत्तों की मां बनने के लिए नहीं आया ये कुत्तों की तरफ नस्बत देने के लिए नहीं आया अल्लाह ने शरफ और इज्जत तक्रीन का जा बजा कुरानी हकीम में जिक्र फरमाया दूसरी बात अब आप कहेंगे इसमें इनकलाबी बात क्या है <laughs> तो अगर इंसान जानवर बन जाए तो इसमें कमाल की बात क्या है जानवर तो पहले से मौजूद है इनकलाब यह कि इंसान अपनी हैसियत को पहुंच पहचाने वो जानवर बनने के लिए नहीं भेजा गया वो फजूलियात के लिए नहीं भेजा गया वह किसी कमतर शय के लिए नहीं भेजा गया वह टाइम पास करने के लिए नहीं भेजा गया किसी घटिया काम के लिए नहीं भेजा गया टाइम किलिंग एक्टिविटीज के लिए नहीं भेजा गया इतने शरफ के बयान करने इतनी तकरीम के बयान करने इतनी अजमत के बयान करने इतनी इज्जत देने का हासिल क्या है बड़ा सोचो बड़ा करो वो बातें आगे आएंगी इन शाल दूसरा नुकता पुराने का इनकलाबी मंशूर, इस मंशूर इसके बयान के तससल में वो है तस्वुर खानदान का मामला तस्वुर खानदान का मामला वहां बहुत सारे लोग हैं जिनको मगरबी माशरों में रहने के इतफाक भी है और वहां के तजरबात भी उनके सामने हैं एक दो बातों का पिछले नुकते के जेल में इशारा कर भी दिया गया आ, कुछ बयान में जुमले हो सकते पहले भी आए हों कि जॉर्ज बुश ने कभी अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कहा था खुदा के वास्ते शादियां करो घर बनाओ अमरीकी सदर कह रहा है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में जहां बड़ी पॉलिसीज की अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं वो कह रहा है खुदा के वास्ते शादियां करो बिल क्लिंटन ने कभी कहा था डॉसरा साहब रहमत ने आ, हसन निसार के सामने जियो के एक प्रोग्राम में प्रोग्राम की क्लोजिंग पर यह जुमला कह के प्रोग्राम खत्म कर दिया था उसके बाद एंकर के पास टाइम नहीं था बहरहाल बिल क्लिंटन ने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरीयत उन बच्चों पर मुश्तमिल होगी दोस्त और बॉन आउट ऑफ वेडलॉक जो निकाह के बंधन के बगैर दुनिया में आ रहे और आज कितनी ये गलीस बातें कितनी मारूफ हैं यह गलीस बातें कितनी मारूफ हैं मीडिया की इंडस्ट्री में बाहर भी और कुछ कुछ मुस्लिम माशरों में कभी कभी बातें आती हैं है हमारे चार बच्चे मेरिट नहीं है ये गलीस माशरत ये दज्जाहली तहजीब का आखिरी हमला जो फैमिली फैब्रिक पर है तो इन बड़े बड़े सुदूर को अमरीकी सदर को भी कहना पड़ रहा है कभी तो समझाना पड़ रहा है अन करीब हमारी अज, अजीम अक्सरीत उन बच्चों पर मुश्तमिल होगी दोस्त वो बॉर्न आउट ऑफ वेट लॉग और कभी एक सदर को कहना पड़ता है कि खुदा के वास से शादियाँ करो और बारक हुसैन ओबामा के अल्फाज इसलिए आते हैं कि एक लाइव प्रोग्राम को रोककर बीच की स्पीच उस चैनल पर दिखाई गई और बारक हुसैन ओबामा तेरह फरवरी वैलेंटाइन से एक दिन पहले तेरह फरवरी दो हजार पंद्रह को कहता है कि एक मजबूत घर एक मजबूत माशरे की जरूरत है सोसाइटी का बेसिक यूनिट घर है और आज वो इग्नोर्ड है एक मजबूत घराना एक मजबूत माशरे की जरूरत है और एक मजबूत माशरा एक मजबूत अमेरिका की जरूरत है सो कॉल्ड इनवर्टेड कॉमर्स सुपर पावर तो बने हुए दुनिया को रूल करने की बातें तो हो रही लेकिन जमीन पर पैर इसलिए नहीं टिके हुए कि फितरत से बगावत है वही से दूरी है खुदा के वास्ते कहता है शादियां करो एक तंभी करता है कि देखो बॉर्न आउट ऑफ बैटलॉग वाली बात आ जाएगी और एक कहता है घर बनाओ एक घर का मजबूत होना एक माशरे की मजबूती के लिए जरूरी है और एक माशरे का मजबूत होना एक मजबूत अमेरिका के लिए जरूरी है मेरे खास से तीन कोटेशन काफी हैं वरना बहुत कुछ इस पर लिखा जा रहा है और वो लोग जो वही के इनकार करने वाले हैं वो लोग जो फ्रीडम के नारे लगाते हैं वो जो मेरे जिस मेरे मर्जी की बातें हमसे पहले से करते चले आ रहे हैं आज वो पागल हो रहे हैं आज वो नफसियाती मरीज बन रहे हैं। अगली बात कहते हुए झिझक आती है जब ये फैमिली फैब्रिक को तोड़ा गया है वही को फरामोश किया गया है तो इंसेस्ट के केसेस मेहरम के साथ बदकारी के मामला ये पिछली सदी में बहुत बढ़ गए आज तो हम दो हजार बाईस में बैठे हुए हैं तो इसको ब्यार्ज कर रहा हूं वो गिलासत का मामला इंसान इसी को देखेगा अगर वही की तालीम को फरामोश करेगा अब यहां कुरानी पाक का नुकता क्या है अभी थोड़ी देर पहले मैंने तमहीदी गुफ्तू में जिक्र किया अक्सर मामलात ज़िंदगी में सियासत है मीशत है अदलिया है इन हवालों से कर्न हकीम ने उसूली रहनुमाई अता फरमाई बिजनेस है कारोबार है माश की एक्टिविटीज़ के हवाले से ये हराम है इसकी पाबंदी करोगे इससे तुम बचो अक्सर और बेशतर कर्न हकीम ने उूल अता फरमाए लेकिन मैंने अर्ज किया था जुमला के कुछ मकामा पर कुरान जुजियात तक बयान की हैं अब जुजियात यानी एक एक जुज को अगर कुरानी हकीम में देखना चाहें तो सबसे ज्यादा फर्द के बारे में कुरानी हकीम का मौजू क्या है ना साइंस है ना हिस्ट्री है कुरानी हकीम का मौजू है हिदायत और हिदायत किसके लिए इंसान के लिए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हिदायकाम की तादाद अगर हमें कुरानी हकीम में मिलेगी तो वह फर्द के बारे में यह फर्द मतलूब है कि इसको हिदायत मिले इसके लिए कुरानी हकीम आया और नंबर टू इस फर्द के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कुरानी हमें मिलेंगी वो घर के बारे में निका का जिक्र मिलेगा माँ बाप का जिक्र मिलेगा औलाद का जिक्र मिलेगा रहमी रिश्तों में बहन भाई भी आ जाएंगे जी विरासत का जिक्र मिलेगा कितनी अजीब बात नमाज की रकतों की तादाद कुरानी हकीम में नहीं लेकिन एक शख्स के मरने पर किसका कितना हिस्सा होगा अल्लाह ने उस रिश्ते का जिक्र करके कुरान हकीम सुरनि में बयान कर दिया इसको मैं कह रहा हूं जुजियात तो खानदान निका के नतीजे में खानदान तरतीब पाएगा शौहर बीवी औलाद अल्लाह ने अता फरमा दी ये मां बाप वो नीचे बहन भाई फिर उनका रहमी रिश्तों का मामला फिर ये रहमी रिश्ते इनमें एक्सटेंशन है चचा का मामला पप्पो का मामला अच्छा ये तो आप हम जानते हैं ना इनके सारे अंग्रेजी ट्रांसलेशन करें क्या है आंटी और अंकल हम खाला भी कहते हैं हम भी कहते हैं हम ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं जी हम सास भी कहते हैं बड़ी बहन भी कहते हैं बड़ी वो अंग्रेजी में एक अंटी आंटी मिलता है खाली वो बेचारे रिश्ते भूल गए और कुर्बान जाइए सूर्य नूर के आखिर में जाए अल्लाह ने तकरीबन दस किस्म के रिश्तों और घरानों का जिक्र किया है आ, आयत करीमा याद आ जाएगी तुम पर कोई हरज नहीं पीछे पस मंजर है तसील का मौका नहीं कि तुम अपने घरों से खाओ अपने वालिद के घरों से खाओ अपनी माओ के घरों से खाओ अपनी बहनों के घरों से खाओ अपने भाइयों के घरों से खाओ अपने चाचा के घर से खाओ गिनते चले दोस्तों के घरों से खाओ ये पहले समझ नहीं आती थी, थी। कुछ कहने की बात है कुरान में आज इक्कीसवीं सदी में समझ आ रही है जब निकाह नहीं होता तो घर नहीं बनता जब घर नहीं बनेगा तो भाई कौन होता है बहन किसे कहते हैं चाचू किसे कहते हैं खाला किसे कहते हैं फुपा किसे कहते हैं क्या पता और जुजियात की तस्वीर इन जुजियात की बता देंगी। तीन बेटियों की परवरिश हमें पता है में, जन्नत की बशारत तीन खालाओं की किफालत जन्नत तीन फुप्पियों की किफालत जन्नत अल्लाह के रसूल ने बताई सल्लाम बहरहाल आज इंसानियत तरस रही हमारे बड़े प्यारे साथी थे एक और एतबार से चार्ट अकाउंटेंट थे और कंसल्टेंट थे बड़े मशहूर अमेरिका से कोई एक टीम आई कोई प्रोजेक्ट के ऊपर मैक्सिमम उनके अंदर खातीन थीं तो इंट्रोडक्शन हुआ उन्होंने अपना कराया इन्होंने अपना कराया माशाला बड़ी सी दाढ़ी सर पर टोपी भी निगाहें भी नीची भी कहिए हम चार भाई हैं हमारे माँ बाप जिंदा हैं हम चारों के चारों भाई मैरिड हैं हमारे अपने बच्चे भी हैं अल्लाह ने वसत दी है एक ही जगह हमारे चार पोषण साथ साथ बने हुए हैं और हर दिन माँ बाप का दोपहर का खाना फलां के रात का खाना फलां के यहाँ संडे को हम साथ बैठ के खाना खाते हैं और हमारे बच्चे भी बड़े हो गए उनमें से कुछ की शादी भी हो गई तो उन औरतों ने सर पकड़ लिया इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल ऐसा होता है ऐसा हो सकता है सर पकड़ के बैठ गए आज थोड़ा सा हमारे पास कुछ बचा हुआ जो उनको फिल वक्त दिखाने के लिए है वो हमारी ये अकदार है जी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मेरा क्याम था सामने वाले घर में मैंने देखा सत्तर पिचहत्तर बरस की बूढ़ी बेचारी झाड़ू लगा रही क्या है जी कोई है ही नहीं एक बेटा है वो यहां रहता नहीं साल में एक दो दफा आता उसकी ईद होती है बस और एक आपका मेरा रब है जो कुरान में कहता है इम्मा या बलगन दकल की बराह दोहुमा फलात कुल्लहुमा उफ्फियुम वलात नहरुमा वकुल्लहुमा काउलन करीमा वक्फिद लाहुमा जनाह जुल्ली मिन रहमा वकुर रब बिरहम हुमा कमा रब बयानी सगीरा तर्जमे की सूरत नहीं मेरे ख्याल तुम्हारे मां बाप हदीस तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारी जहन्नम भी या तो आगे बढ़कर बंदा संभालेगा ये हमारी तहजीब और अकदार ये कुरान ने अकदार हमें अता फरमाई ये कुरान ने घरों को बनाया ये कुरान घरों को बनाना चाहता है और एक वो लोग हैं अच्छा इज इट पॉसिबल कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं तुम चार भाई अलग अलग है साथ ही साथ रहते हो तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इनके दादा दादी साथ बैठ के खाना खाते हैं हाउ इज इट पॉसिबल तो हकीम पढ़ जाइए कुरानी हकीम ने तस्वुर खानदान दिया और सबसे ज्यादा फर्द के बाद सबसे ज्यादा फर्द के बाद जो कर्न हकीम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें मिलती हैं वो खानदान के बारे में और आज दुनिया उसको मिस कर रही है Having said this, इसका ये मतलब नहीं कि हम सो जाएं घर पर जाकर हाँ जी आज बड़ी अच्छी बात पाक के तालुक से बयान हुई और हम मुसलमान और हमारे लिए ये रहनुमाई मौजूद है ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह तक उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह दीन का उन, उनसे काम ले जब पी सी डी का उन्होंने लॉन्चिंग का सिलसिला शुरू किया तो उनका मशहूर डिबेट हुआ श्री श्री रविशंकर के साथ देखा होगा आप लोगों ने एक पोडियम पे डॉक्टर जाकिर नायक ने गुफ्तु की बल्कि श्री श्री रविशंकर ने लेफ्ट पे फिर डॉक्टर जाकिर ने रिबल दिया फिर श्री श्री रविशंकर फिर डॉक्टर जाकिर मुसलमान अल्लाह श्री श्री को डॉक्टर जाकिर ने कॉर्नर कर दिया चुप करा दिया उसी की किताबों से दलाल दे दी उसको रिफ्यूट कर दिया रिबटल कर दिया जाकिर नाइक कौन मुसलमान श्री श्री रविशंकर कौन हिंदू कौन जीता जाकिर नाइक कौन हारा हिंदुजम मैं कौन हूं मुसलमान कंबल ओडास हो गए

कुरान हमें यह बताता है हदीस हमें यह बताती है तो हम उनका लेते हैं प्रैक्टिकल और अपनी उठाते हैं थ्योरी और उसको मैच करके खुश हो जाते हैं और मैं ऐड कर रहा हूं कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। मैं तो मुतमिन मुसलमान जरा हम अपना भी तो प्रैक्टिकल उठाएं ना उनकी प्रैक्टिस को कंडेम करें उनकी बुराइयों की मजम्मत करें और जरा अपना हाल भी देखें क्या आपके मेरे शहर में एडी होम में ओल्ड हाउस नहीं है आपके मेरे शहर में ऑन पेमेंट बेसिस बड़े बेहतरीन किस्म के ओल्ड हाउसेस नहीं बन रहे आपके मेरे इस शहर के घरानों में मां बाप नहीं रो रहे बेचारे एडी होम में जो जाने का इतफाक रहा कुछ प्रोग्राम्स के लिए चार जवान बेटे शहर के अंदर मौजूद है बारह साल से सड़ रही और मां क्या होती है अम्मा जी कभी बदवा दो बच्चों की सवाल ही पैदा नहीं होते मेरी औलादे कैसे बदवा दे दू अच्छा दुआ क्या है अल्लाह जहां रखे इनको सुखी रखे ये मां होती है और वो चार जवान बेटे शहर में घूम रहे फिर रहे खा रहे मजे कर रहे हैं माँ वहां पर सड़ रही ये ये कुछ कुछ मिसालें हमारे यहां भी आ रही तो झूठा इतमान हमें ना हो जाए हम खुश खुशपहमियों में मुबला ना हो जाए उनकी प्रैक्टिस को अगर कंडेम कर रहे हैं तो अपनी भी प्रैक्टिस को देख कर दरूबीनी की हम कोशिश करें और हाँ अगर उन बरायों बुराइयों से जिनके मदम्मत कर रहे हैं, हैं अल्लाह ने हमें बचा कर रखा अल्लाह का शुक्र करें और अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो भी दूसरों को कुरान बाद में पहुंचाने की बात होगी पहले हम देखे हमें कुरान पहुंचा भी है कि नहीं इसको रिविजिट करने की जरूरत होगी अगली बात तीसरा नुकता है और अमन का मामला इस हवाले से हमारे उस्ताद डॉक्टर मोहतर साहब खिताब है किताबचे की शक्ल में भी है कुरान और अमन आलम बड़ी तफसीली बहस है हाइस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी है और जरा सी फलसफियाना भी है वो तो बयान करना मुश्किल है मेरे लिए अलबत्ता उस पूरे का खुलासा करना भी इन ग्यारह टोटल निकात के साथ थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं दो तीन पहलू उसके मुख्तसर आपके सामने रखना चाहूंगा ईमान बंदे को अमन अता करता है फितरत इंसानी अगर सलामत हो तो हर शख्स या वो शख्स जो अभी अल्लाह को अल्लाह के नाम से ना मानता हो लेकिन अगर फितरत इंसानी सलामत है तो इंसान तलाश में रहता है क्यों कुछ हकाइक को जानना या जिंदगी के कुछ बुनियादी मसाइल का जवाब मिलना यह इंसानी फितरत की पुकार है और वो तीन बुनियादी सवाल क्या हैं ये कायनात क्या है क्या कोई है जिसने इसको बनाया है और मैं कौन हूं और मेरा इस कायनात में रोल क्या है और अगर मुझे कोई बनाने वाला है तो मुझसे क्या चाहता है तो खालिक कायनात और इंसान सलीमलफितरत इंसान शूर रखने वाला गौरव फिक्र करने वाला जिसकी फितरत मस्क शुदा ना हो जिसकी नेचर परवर्टेड ना हो जाए जब भी गौर करेगा तो एक नतीजे पर तो पहुंचेगा कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है अब अगला एक और मौजू है और कुरान इस किताब का एनात को पढ़ने की पहली ही आयत से दावत देता है कुरान इस किताब कायनात को पढ़ने की पहली ही आयत करीमा से दावत देता है अलहमद लब आलमीन। और बड़ा खूबसूरत जुमला है एक, एक साहिब का अगर किताब कायनात नहीं पढ़ रहे तो किताब इलाही समझना मुश्किल होगा अगर किताब कायनात पर गौर फिक्र नहीं कर रहे तो किताब इलाही से जैसा कि उसका हक है इस्तेफादा नहीं हो सकेगा और खुद किताब इलाही इसकी गौर फिक्र की दावत देती है इन नफी खल समावाती वल अर्दी वक्त लाफिल वन नहारी आयातिल अलबाक बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ में और रात दिन के बदलते निज़ाम में अक्लमंद लोगों के लिए यकीन निशानियाँ मौजूद हैं अल्लादीनियत कुरून वाला जुनूब हिम जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े और बैठे भी और अपनी करवटों पर भी वह तफ़ा करूँ ना फीकल किस समावती और आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व करते हैं एक नतीजे पर पहुँचते है कोई बनाने वाला रब बना हमारे रब माँ खलता हादा बातना तूने सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया सुबह का तो इस बात से पाक है कि बगैर किसी मकसद की किसी शय को पैदा करे बेमक़द की किसी शय को पैदा करे फकीना फकीन आदा पसम आदाब से बचा ले कर्न हकीम गौर व फिक्र की दावत देता है और एक फितरत इंसान जब तक उसे यह गौरव फिक्र करने वाला इंसान जब तक उसे इन सवालात के वाक जवाब नहीं मिलते उसका बातन एक इंतशार की कैफियत में रहता है जब उसको उसके इस बातिन में उठने वाले इंतशार जो कि इन बुनियादी सवाल की वजह से है इसके वाक जवाब मिलते हैं तो उसको अमन मैसर आता है कुरान इस फलसफे को सुलतल में इब्राहिम के किस्से के फौरन साथ बयान फरमाता है फैल फरी अहकम कौन सा गिरो अमन का ज्यादा हकदार है अमन आमन वलमय लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ शिरक की आमेज नहीं की उनके लिए अमन है थोड़ी गहरी बात हो गई बातिन में उठने वाले सवालत और उसके नतीजे में अंदर का एक इंतजार उसको अमन मिलता है इन सवाल के जवाब की रोशनी में और ये जवाब अता होते हैं पैगंबर की तालीम के जरिए जिसको सादा अल्फाज में हम कहें ईमान की दौलत जिसको ये ईमान मिल जाता है वो अमन पा जाता है इसीलिए साहिब ईमान को मोमिन भी कहा जाता है और न सिर्फ ये कि उससे बातिन का अमन मिलता है हक जिंदगी खुलते हैं और तफसीर खूबसूरत हो जाएगी इसमें बानी मोहतरमी के अल्फाज में अब उसके जवाहर में भी अमन का इजहार होना शुरू हो जाता है मुराद आमाल और मामूलत जिंदगी बदलते हालात में वो मुंतशिर नहीं होता बावकार जिंदगी गुजारता है और इसकी ज़्यादात दूसरों के लिए अमन का बास बनती है हदीस हमारे जहन में है मुसलमान कौन है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और मोमिन कौन है जिससे दूसरे लोग अमन में रहें ये एक फर्द को मिलने वाला अमन ये एक फर्द को मिलने वाला अमन वाकआता मिले और इसका इजहार आमाल में हो तो ये एक अमन वाले माशरे की तश्कील का बास बनेगा और वह अमन वाला माशरा उसकी कुछ झलकियां आगे जिक्र में आ जाएंगी इन मदीना शरीफ के माशरे को जहन में रख लीजिएगा और वो माशरा जहाँ वो कवत जमा हो जाए कि जो अमन पा जाने वाले अहल ईमान की हो का माशरा हो और यही साहिब ईमान मुज़तमे होकर एक आलमी अमन का बास बन सकते हैं जैसे पैगंबर के जरिए खालिक की तालीम बंदे को बातिन का अमन देती है जाहिर में उसको अमन देने वाला बनाती है उसी खालिक की तालीम पर जब एक निजाम कायम होगा आदिलाना तो वो इंसानियत के लिए अमन का बास बनेगा यह है इनफरादी और इज्तमाही सतह पर अमन का मामला जो मैसर आता है ईमान को और उनके जरिए पूरी दुनिया वालों को ये बात एकेडमिकली बिल्कुल ठीक है प्रैक्टिकली साबित शुदा है करंटली अभी ये अमन हमें मैसर नहीं है तो उसके लिए हमें अपने ईमान के दावे को देखने और वो ईमान किस दर्जे का है और क्या वो मुझे अमन दे रहा है कि मैं दूसरों के लिए अमन का बास बनूं इस पर दरुबीनी करने और गौर फिक्र करने और सोचने की जरूरत है यह तीसरी बात थी कुरानी हकीम जो इनकलाबी मंशूर अता कर रहा है अफराद के बातिन और जाहिर को भी बदलने के अतबार से कि कुरान वो तालीम देता है जो इनफरादी और अमन का बायस बनती है अगला नुकता चौथा नुकता है अक्ल और वही और जिसम और रूह का तोजुन हकीम की अमली ताबीर मिलेगी मैंने शुरू में अर्ज किया था किससे कर्न हकीम का अमली नमूना कहां से मिलेगा नबी अक्रम सलाम से डायरेक्ट एक मिसाल ले हम सबके हैं माइकल एच हार्ट की मशहूर किताब ग्रेट हंड्रेड्स के नाम से और उससे सौ अफराद की सिलेक्शन की तारीख में से जिन्होंने हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला मशहूर बातें हैं और नंबर तीन पर उसने हजरत ईसा सलाम का जिक्र किया है वो ईसाई और नंबर वन पर वो जिक्र करता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम का अलबत् नंबर वन पे मोहम्मद रसूल को रखने से कोई मोहम्मद रसोलम की शान में इजाफा नहीं होगा ना हमें कोई ये हाजत है कि माइकल एच हार्ट के कहने पर हम हुजूर की आजमत के कायल हो कतान नहीं ये माइकल एच हार्ट की मजबूरी है वो जो अरबी में कहा जाता था कि अलफगुलमा शहीदत बिहिल आदा फ़ज़ीरत तो यह कि दुश्मन में आजमत का एतराफ़ करे उसकी मजबूरी है कि उसको मानना पड़ा और ये मोहम्मद मुस्फ़ार के बारे में कहना पड़ा अलबत् इस वक्त माइकल एच हाट का हवाला देना इस चौथे नुकते के हवाले से क्यों अकलो वही और जिसम रूह का तोजुन माइकल एच हाट कहता है आई ओन एक्सप्लेनेशन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वजाहत करूं कि क्यों मैं मोहम्मद और रसूल हम और आप कहेंगे और रसूल भी कहेंगे उसने डंडी मारी है वैसे उससे कहा इज दी ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री पर्सन नॉट प्रॉफिट ही इज दी ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री हु इज सुप्रीमली सक्सेसफुल एट द सेम टाइम बोथ एट दुलर लेवल एंड रिलीजियस लेवल तारीख इंसानी में वाद शख्सियत जो कामयाब तरीन है बैक वक्त खालस इंसानी सतह पर भी और ख़ालस मजहबी सतह पर भी वो मोहम्मद वरसूल सल्ला वसलम बस उसने पर्सन का आप और हम रसूल कहेंगे प्रॉफिट कहेंगे सल असलम कहेंगे ये जुमला हमारे जहनों में अगर है माइकल एशार्ट की बात हमारे जहन में है तो ये चौथा नुक़ा कुरान हकीम के इनकलाबी मशहूर के तल्ल से कि़ल और वहीं और जिसम और रूह का तोज़ुन कुरान अता करता है क्या मतलब इसका हमारा एक जिसम है कुरानी हकीम ने उसको इग्नोर नहीं किया हमारी अल्बत्ता एक रूह है उसको एम्फेसाइज किया है उसका तस्करा किया मगर एक हसीन इम्तज़ाज अता किया मसीहत के मानने वाले रहबानियत की तरफ चले गए तरके दुनिया की तरफ चले गए इस इंतहा पसंदी पर चले गए इस एक्सट्रीमिज्म पर चले गए कुरान हकीम ने नफ़ी की है सूरतुलहदीद में रहबानियत इख्तियार करने वाले मसीहत के मानने वालों की कि ये बिदात तो उन्होंने ईजाद की थी माँ कथा बनाम इस बात को हमने उन पर कोई लाजिम नहीं किया था तो ये इंसान तफरी का शिकार हो जाता है तवाजुन का शिकार हो जाता है बाद लोक और मेजोरिटी अब की इतने मादा परस्त हो गए कि रूह का इस सिरे से इनकार और उसके एहसास और जज्बात और उसकी नींद और उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसके तकादों पर कोई तवज्जो नहीं ये एक इंतहा है और बाज मरतबा ऐसा होता है कि मजहब के मानने वाले अल्लाह का खुदा का जिसको वो डाइची मानते मबूद मानते गॉड मानते उसका जिक्र तो करते हैं मगर वो दुनिया मामला को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कि रहमानियत के नाम पर मसीहियत के मानने वालों ने यह अदम तोजुन इख्तियार किया जिसम और रूह के तोजुन का जिक्र हमारे सामने रखता है कुरान हलाल कमाने की भी बात करता है कुरानकीम खर्च करने की भी बात करता है कुरान बंदों की कुरान बंदों के, के हकूक और उन पर ख़र्च करने और उन पर काम आने का भी जिक्र करता है ये इशारा तन चंद बातें हैं कुरानकीम माश के हवाले से भी रहनुमाई अता फरमाता है ये चंद इशारे हैं तो जिसम और रूह के तवाज़न की बात कहें या अकल और वही के दरमियान तो है जरा एक हसास पहलू कुरानी हकीम खुद अकल के इस्तेमाल करने की तोज्जो दिलाता है सूर्य अम्बिया की आयत नंबर दस है लकतर कुम अफलाकी हमने तुम्हारी तरफ यकी हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है

और सादा जुमले के जहां अकल की हद खत्म होती है वहां से वही का सफर शुरू होता है इस अक्ल को नकल के ताबे रखना है इस अक्ल को नकल यानी वही के ताबे रखना है अलबत् इस अकल के मुतलक इस्तेमाल को मना नहीं किया गया हदूद में रखकर मना किया गया यही वजह है कि तोहद के दलाइल जा इस कायनात में गौरव फिक्र इस वजूद में गौर फिक्र की दावत कुरान देता है सूरह दारियात में आयत किस में वफ़ी अन फीकोन तुम्हारे अपने अंदर अल्लाह की मारफत की निशानियां मौजूद हैं क्या तुम देखते नहीं हो आयत करीम इब्तदा में मैंने तिलावत की सुरह अलहर

और औरल के दरमियान एक तोजुन हमें आता फरमाता है वरना मजाहब आलम की तारीख में और मज़हब के मानने वालों में ये आदम तोन का मामला आता है जिसके नतीजे में गैर फितरी रवैये लोग इख्तियार कर लेते हैं मसीहियत के मानने वाले इस इंतहा पर गैर अहबानियत के नाम पर कि एक शख्स अगर पादरी है तो निका नहीं कर सकता निका कर ले तो पादरी नहीं बन सकता इन्ना वही बाकी फिर वो जिना करता रहे वो पॉप जॉन पॉल पहले था आज का पॉप है हर साल पॉप सालाना माफी मांगता है हमारे पादरू ने इतने इतने जिना के केसेस किए और हमारे चर्चिस के अंदर माफ कीजिएगा बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों की इतनी इतनी इतनी, इतनी लाशें मिली खोपड़ियां मिली हम हर साल माफी मांगते हैं आपसे ये कहता है पॉप ये कहता है उनका मेन जो चीफ प्रिस्ट होता है हर साल माफिया मांग रहे होते है। क्या है ये ये अदम तवाजुन का मामला जिसम और रूह के दरमियान याक़ल और वही के दरमियान इस्लाम और क़र हकीम जो हमें ता, था, तालीम अता करवा फरमाता है वो तवाजुन वाली है और अतदाल वाली है ये चौथा नुकता था कर्न हकीम था, के इनकलाबी मंशूर के अतबार से कि़ल और वही और रू जिसम और रूह और जिसम के दरमिया तोज़ुन का पहलू है जो कुरानी हकीम अपनी तलीमत के ज़रिए हमारे सामने नुमाया करता है एक नुकता और लेंगे उसके बाद आपके सामने अंजुम ख़ुदाम कुरान सिंह की एक वीडियो प्ले कर दी जाएगी अगला नुकता है तरबियत व तस्खीर ये दो अलग अलग, अलग बातें जरूर हैं इशारतान बात मुख्तर हो जाएगी इनशा तलबा इस पर कलाम करने से पहले बानी तंजीम इस्लामी उस्ताद मोत्म डॉक्टर सारम्तल के खिताब और वह किताब की शक्ल में मौजूद है कुरान हकीम की कुत तस्खीर कुरान हकीम की क़वत तस्खीर एक इस कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए मुस्खर किया है एक है अल्लाह हमें दावत देता है गौर फिक्र करो मेहनत करो स्ट्रगल करो पालोगे जाओ तस्खीर करो इस कायनात की हासिल करो कोई हरज नहीं आदम अलैहिस्सलाम को असमा भी दिया गया फिजिकल साइंसिस का इल्म और इल्म वही भी अता किया गया हिदायत का इल्म जाओ इस जमीन के वसाइल उनको मुसखर करने अपने ताबे लाने की कोशिश करो एक अल्लाह ने कर दिया एक तुम ताबे लाने की कोशिश करो इस तस्कर में भी एक इल्मी नुकता है बास चीज़ें अल्लाह ताला ने बिल्कुल हमारे इख्तियार में दे दी जानवरों को गाड़ियों को सवारियों को मुस्ख़र किया तो ये हमारे इख्तियार में भी दे दी बास चीज़ों को मुस्ख़र किया खिदमत के माना में हमारे इख्तियार में नहीं दिया सूरज चांद को मुशर कर रखा है हमारी खिदमत पर लगाया है मगर सूरज और चांद मेरे और आपके इखियार से उनके तुल गुरूप का मामला नहीं ने इख्तियार अपने पास रखा तो मुस्खर करना कभी खिदमत पर लगा देने के मफोम में और कभी मुस्खर करना हमारे इख्तियार में दे देने के मफोम में तो जाओ इख्तियार इस्तेमाल करो जमीन के वसाइल को दरियाफ करो कोई हरज की बात नहीं एक है कुरान मुस्खर कर लेता है बंदे को काश उसका हिस्सा कुछ मुझे भी मिल जाए आपको भी मिल जाए डॉक्टर फरमाते थे कुरान पजे कर लेता है बंदे को जब उतरे कुरान किसी के अंदर वाकन और उसका दिल नूर कुरान से मुनवर हो जाए तो यह बंदा चलता फिरता कुरान बन जाएगा उसकी इंतहा मोहम्मद मुस्तफा हुजूर क्या है? उनके अखलाक क्या है चलता फिरता कुरान है मगर हम हुजूर की तबाह करने वाले कुछ हिस्सा अल्लाह में भी अता फरमाते जी ये कुरान अगर पूरी तलब और तड़प के साथ कोई अल्लाह से लेना चाहे तो फिर अल्लाह वह तोहफी देता है कि कुरान बंदे को पजेज कर लेता है कुरान ड्राइविंग, कुरान ड्राइविंग सीट पर आता है सुबह कुरान ड्राइविंग सीट पर आता है लन तनाबून तुम्हारी एक काम नहीं हो सकती जब तक तुम महबूब तनीषय को खर्च ना कर दो यार सबसे कीमती बाग है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये लीजिए अपने हाथ में जो चाहे सो करे अलमानदी कई मान वालों पर वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से कापट और उससे जो अल्लाह ने हक़ में से कुरानी हकीम में से नाजिल फरमाया मशहूर शख्सियत हैं पहले वो डाके डालते थे किसी दिन रात को डाका डालने गए किसी घर से कुरान हकीम की तिलावत की आवाज़ आई और डाकू डा डाके डालने वाला उससे तवज्जो से सु की आवाज़ क्या है आर तो आती थी अलम आमन तुम्हारे लिए अब भी और कितना कितना वक्त चाहिए तुम्हें कांप उठने के लिए अल्लाह का जिक्र तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब तुम्हारे सामने दिल बदल गया सब कुछ छोड़ दिया और बहुत बड़े साहिब कौन है जो अल्लाह को करद हसन दे रसो अल्लाह कर्ज मांगता है अब उदाह रजी अल्लाह कर्ज हाँ अल्लाह कर्ज मांगता है यार बाग मैंने दे दिया। उस बाग के अंदर घर भी है जब अल्लाह को कर्ज दे दिया अल्लाह के राम दे दिया तो उस बाग के अंदर से होकर जाना पड़ता था घर तक पहुंचने के लिए बाहर से अबू दादा अपनी अपनी बीवी को कहते दादा की माँ उमे दादा आजा बाहर यह हमारा नहीं अल्लाह का हो गया फिरू ना आलान फसीम वालों का न वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते खा खुद कितने जरूरतमंद क्यों ना हो सात घर हो गए, खाना उसी घर में वापस आ गया जिस घर से वो खाना चला था अजीब लोग थे ना ये की पुकार उठी जख्मी है शहादत के करीब है पानी पिलाने वाला पहुंचता है एक के पास दूसरा कहता है ये कहता है, नहीं इसको पिला देना अजीब लोग है ना दूसरे के पास पहुंचते तीसरे का आला मुझे प्यास लगी ये कहते उसको पिला था उसके पास गया वो शहीद हो गया इधर आया ये शहीद हो गया इधर आया शहीद हो गया तीनों गए तीन पानी उधर ही रह गया क्या है ये कुरान वॉस ऑन द ड्राइविंग सीट अल्लाह ये हिस्सा कुछ हमें भी अता फरमाते आज हमें पता नहीं शैतान ड्राइव कर रहे कभी कभी तजाली तहजीब ड्राइव कर रही है हवस के बुध लालच के बुत हुबे जा हुबे माल के बुत वो ट्रैक कर रहे हैं शायद और इन लोगों को कुरान ने पसेस किया था और इसी कुरानी हकीम ने फिर तरबियत की है यही वाकयात में समझो इस उनवान के तहत काफी तो इस कुरानी हकीम की कुत तस्खीर और इस कुरानी हकीम के जरिए से तरबियत का मामला ये नुकता आगे भी एक और नुकते के जेर में इन शाह आ जाएगा अब तक हमने पांच निकास समझे हैं कुरान हकीम है के इनकलाबी मंशूर के अतबार से इस वक्त एक छोटा सा वकफ़ा नहीं है जस्ट थोड़ा सा मोड हम चेंज कर रहे हैं तकरीब साढ़े सात मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है इनशाला आपकी मालूमत में कुछ इजाफा भी होगा अंजुमन खुदाम क़ुरान सिंह कराची की परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़ के हवाले से इन बसमलर क्या कभी हमने गौर किया कि जिस दीन इस्लाम के हम मानने वाले हैं वो दीन इस्लाम माजी में तारीख़ में सदियों तक कई बड़े आज़मों पर लिब रहा और वहाँ पर उसका पूरा निज़ाम कायम रहा मगर आज उसके मानने वाले इस दुनिया में जिल्लत का शिकार हैं रसवाई का शिकार हैं जवाल का शिकार हैं आखिर ऐसा क्यों है नबी मुकरम अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया इन अरफ़ाऊबिहादल किताबी अकवान वही आखरीन बेशक अल्लाह सुबहाना तैाल इस क़ुरान करीम की बदौलत कौमों को रूज अता फ़रमाएगा और इसको तर्कर देने की वजह से कौमों को जिलत और रसवाई में मुबतला कर देगा गौर किया जाए तो आज मुसलमानों के जवाल और इनहत की अहम तरीन वजह हकीम से दूरी है बानिय तजीम इस्लामी और कुरान मोहतरम डॉक्टर इसारहमत अपनी पूरी जिंदगी यही कोशिश करते रहे कि रुजू अल कुरान का दर्स कौम को दिया जाए कुरानी हकीम से ताल्लुक मजबूत किया जाए और उन्होंने इस मकसद के लिए सन उन्नीस सौ बहत्तर में मरकजी अंजुमन खुदाम कुरान लाहौर कायम फरमाई और इसी तरह एक और इदारा जो इस मरकज़ी अंजुमन खुदाम कुरान का ज़ेरी इदारा और ज़ेरी शाख है अंजुमन खुदाम कुरान सिंह कराची उन्नीस सौ छियासी में ये इदारा क़ायम हुआ इस इदारे का अहम तरीन एक मक़द ये है किरानी हकीम की अली तरीन इलमी सतह पर तशहर की जाए उसकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए ताकि उम्मत के वो अफराद जो ज़हीन हैं सोचने समझने वाले हैं उनमें तजद ईमान की एक अमूमी तहरीक बरपा की जा सके जिसका एक बहुत बड़ा मकसद क्या हो गलब दीन की जद्द जहद के लिए और जो मुस्तबिल में अल्लाह सुबहान ताल का दीन दोबारा गालिब होना है उसके लिए एक रावार की जा सके अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन कुरान सिंध कराची के तहत कई जेली इदारे कायम हो चुके हैं जिनमें कुरान एकेडमी डिफेंस कुरान एकेडमी यासीनाबाद, कुरान एकेडमी कोरंगी कुरान इंस्टीट्यूट गुलुस्तान जौहर कुरान इंस्टीट्यूट लतीफाबाद और कुरान मरकस लांडी शामिल हैं इन तमाम जेली मराक़ज़ में जदीद सहूलियात से रास्ता क्लासेस लाइब्रेरीज़ मकतबा और ख़ोन के लिए अलहदा सेक्शन कायम हैं अंजुमन के शुबे तलीम और तरबियत के तहत बानिया मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रमत का जारी करदाजू कुरान कोर्स उन्नीस सौ इक्यानवे से तसलस के साथ जारी है इस वक्त ये कोर्स पाँच मराकस में मुनदद किया जा रहा है इस कोर्स में अब तक मुख्तलि शुब ज़िंदगी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल हजरा शिरकत कर चुके हैं और अब तक हजारों अफरा इससे इस्ता कर चुके हैं तमाम जैली इदारों में साल भर मुख्तल अवत में दीगर शॉर्ट कोर्सेस का भी इनका किया जाता है इसके अलावा अंजुमन के तहत होने वाले ऑनलाइन से भी पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान से शुरा की एक बड़ी तादाद इस्ता करती है इस वक्त तकरीबन चालीस से जायद मदरसन रुजू अल कुरान कोर्स शॉर्ट कोर्सेज दुरूस कुरान दौरे तर्जु कुरान कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दरसो तदरीस में मसरूफ हैं इनमें से अक्सर वेशर अंजुमन के तहत होने वाले इन्हीं कोर्सेज से फारगो तहसील हैं कुरान अकेडमी डिफेंस, कुरान, कुरान इंस्टीट्यूट गुलासान जौहर में मसाजद भी कायम है जिनमें लगभग पाँच सौ से पाँच हजार तक नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है इन मसाजद में मजमू तौर पर तकरीबन ढाई सौ अफराद रमजानुल मुबारक में एहतिकाफ सादत हासिल करते हैं तमाम मराक में बच्चों और बच्चियों के लिए मदरसे भी कायम है कुरान अकेडमी कोरंगी की इमारत में दिहोप इस्लामिक स्कूल भी कायम है जहाँ अल्हमदल्ला सात सौ ऐसी जायद तलबा और तलबात जेर तालीम है इसके अलावा कुरान अकैडमी यासिनाबाद में मरक़ तालमोत तहकीक़ यानी लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर भी कायम है जिसके तहत मुख्तलि तहकीकी काम सर अंजाम दिए जाते हैं मरक़ तालमो तहकीक़ में तकरीबन साढ़े नौ हज़ार से जायद कतुब का जखीरा भी मौजूद है रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी के साथ मुकम्मल दौर तर्जुम कुरान का सिलसिला गुजशत रुबा सदी से बायदगी से जारी है जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक होते हैं शोबा मदबूआत के तहत अब तक तकरीबन उनसठ से जायद मुख्तलफाना के तहत कुतुब और किताबचे शाया हो चुके हैं जबकि सोशल मीडिया पर अंजुमन की सरगर्मियों के तशहर का सिलसिला भी जारी है शोबा मल्टी मीडिया के तहत कुरान अकेडमी डिफेंस में एक स्टूडियो भी कायम है जहाँ अंजुमन से वाबस्ता मुदरसन के प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं ये रिकॉर्ड शुदा प्रोग्राम्स मुख्तलिफ टी वी चैनल्स को फरहम किए जाते हैं और अंजुमन की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी अपलोड किए जाते हैं मुस्तबिल के मनसूबा जात में शहर कराची के एन वस्त यानी गुलस्तान जौहर में मस्जिद और कुरान अकेडमी के कयाम के लिए खातिर ख्वा पेशरफ की जा चुकी है जमीन के हसूल और तमीरत के सिलसिले में तखमीना भी हासिल किया जा चुका है जिसकी कुल मालियत इब्तदाई तौर पर चालीस करोड़ रुपए रखी गई है इसी तरह गुलशन मेहमान में, में मस्जिद के लिए साहिब खैर की जानब से अतिया करदा ग्यारह गज के प्लॉट पर तामीर का फैसला कर लिया गया है इस जमन में मुख्तलिफ इदारों से हतमी मंजूरी के बाद जल्द तमीरत का आगाज कर दिया जाएगा इन इस मनसूबे आरोप इब्तदाई तखमीना बीस करोड़ रूपए रखा गया है अल्लाबहाना तौला से दुआ है कि वो पर्दा गैब से तमाम वसाइल को पूरा फरमाएं और हमें इस कार्य खैर में ताउन की तोफीक अता फरमाए मजीद ये के दिहोप इस्लामिक सेकेंडरी स्कूल की तोसी और खातान के लिए कॉलेज का क्यामिफान पर मुहाजरात और कॉन्फ्रेंसिस का इनका सोशल साइंस पर रिसर्च सेल का क़याम मीडिया सेल का क़याम और वेबसाइट के जरिए मुल्क भर की अकेडमीज को इंटर लिंक करके एक पोर्टल पर नुमाइंदगी देना और अकेडमिक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तैयारी जैसे मनसूबे भी शामिल सिंध कराची का ये इजूअल की दावत के लिए हतल मकदूर सरगर में अमल है ये सब कुछ अल्लाह की तोफीक और साहिब खैर हजरा के ताउन से मुमकिन हुआ है और हमें उम्मीद है की आइंदा भी अल्लाह की तायद व नुसरत से मनसूबा जात पाए तकमील को पहुँचेंगे और इस्लाम के जमिन में ये इदारा एक अहम संगल साबित होगा इन शुखारी रिवायत है को खैरकुमता कुरान से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाए पढ़े और पढ़ाए समझें और समझाए ये बेहतरीन का है इसको बेहतर न कहें काश ये हदीस नक्श हो जाए नौजवानों के दिल पर कैरियर्स की तलाश करते हैं एमबीए कर लें कंप्यूटर में एमएस कर लें कैरियर बनेगा अच्छी मिलेगी वो सारा कुछ इस दुनिया के लिए आरजी जिंदगी के लिए है और कुछ भी नहीं है। है, पढ़ाओ पढ़ा भारत ये आवाज और ये दो रोप दबदबा और ये आंखें तो अब मैसर नहीं है अल्लाह तॉक्टर साहब के दरा जा बुलंद फरमाए कुरानी का इनकलाबी मंशूर कुल ग्यारह बातें आपके सामने रखना मकसूद थी पांच बातों का जिक्र आ चुका छठी बात की तरफ चलते हैं, जो कुरानी हकीम का एक मुस्तकिल मौजू है कुरानी हकीम जैसे गर्स किया गया ये हिदायत की किताब है और हिदायत के अतबार से कुरानी हकीम कौमों के वाकयात को बयान फरमाता है उन वाकयात में तहजीब और अखलाक की बातें भी हैं अकायद के बेगाड़ का नतीजा भी जिक्र किया गया अमाल की तबाही को भी कुरानी जिक्र करता है और कौमों के वाकयात के जेल में हक बातिल की कशाकश का तस्करा ईमान वालों के लिए तरगीब तश्ीक का बयान भी और ालमों और जाबिरों के लिए तंबी हाथ का जिक्र भी कुरानी हकीम करता है ये बहुत सारे मौजुआत हैं एक नुकते की तरह तोज्जो दिलाना चाहूँगा और वो ये है कि अल्लाह सुबहान तुनिया को बनाया इसके लिए कुछ मादी

उसको तकलीफ नहीं होती उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है गीबत गलत इतना कि मुर्दा भाई का घोष खारे हो तुम सूर्य उजरात की आयत के मुताबिक तो अखलाकी एतबार से एक जुमला कहा जाएगा अखलाकी कवानीन के एतबारी दुनिया मुकम्मल है इसके नतज आखरत में आने हैं लेकिन वो है बिल आखिर अफराद के नतज इजमाहियत और अखवाम के नतज दुनिया में अल्लाह तय करता है इजतमायत और अकवाम के फैसले अल्लाह दुनिया में फरमाता है और यह बहुत अहम नुकता है पेशी कौमों के बाद वाकत बयान करने की हाजत नहीं कौम आदोसमूद का मामला हो फिर की लाश का मामला हो कानून की बर्बादी का जिक्र हो मुश्त कौमों को तबाह करने का मामला हो जब इन अवाम में अखलाकी बिगाड़ पैदा हुए और अल्लाह की एक तराजु है आगे आदल के जेल में जिक्र आएगा और उस तराजु के मुताबिक इन अमाम के नफ़े के मुकाबले में इनका शर और नुकसान बढ़ गया क्योंकि सूर्य आरत में अल्लाह फरमाता है नफ़ा देने वाली शही यम शहरी अर्द जमीन में बाकी रहती है तो जब इन अमाम का गालिब एतबार से शर बड़ा अखलाकी बिगाड़ इनमें आया मसल लूत सामी कौम जिस पर रस्सी का गंदा तर्ज अमल जिसे आज दुनिया की अकवाम और दुनिया के निजामों को चलाने वाले कानून के सहारे के तहत हलाल कर रहे हैं महाजल्ला शेबा की कौम नातोल की गड़बड़ का मामला और आ, फिरौन और आले फिरौन ने सियासी जबर करके बनी ज़ुल्म सितम किया तो जब साइल के मैदान में मीशत के मैदान में सियासत के मैदान में माशरफ के मैदान में इन अवाम में अखलाकी बिगाड़ पैदा हुए अल्लाह ने इनको मिटा डाला ये बहुत अहम तजी हैं हर दौर के एतबार से जिमन एक नुकता ये इन अकवाम के साथ अंबिया और रसुल की कशाकश जारी रहती थी और उस कशाकश के दौरान ईमान वालों का सबर और सबात और इस्तेकामत सामने आता है और कुरानी हकीम ने उसको क्यामत तक के लिए नकल फरमा दिया तो हर दौर में हक बातिल के मार के जब सजेंगे तो ईमान वालों की तरगीब और तश्वीक और तकवीत और उनकी मोटिवेशन और इंस्परेशन के लिए इन वाकिया से ईमान वालों को हिम्मत मिलेगी तो ये मुक्ता नुकता नुकता के आलम का जवाल कुरानी क़रीम नकल फरमाता है यह भी हकीम के इनकलाबी मंशूर के बयान में से एक बड़ा अहम नुकता है अगला नुकता जो कि सातवां नुकता है वो है वहदत इंसानी और मसावत का तस्वर बरहमन शूदर का तस्वुर आज भी खत्म नहीं हो रहा दुनिया में डेमोक्रेसी के चैम्पियन होने के दावेदार भारत में आज भी मसाइल हैं पुराने वक्तों की बात है मौलाना शाह बुखारी रहमत अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए शदीद बीमार थे उस वक्त मुसलमानों और हिंदुओं का कोई आपस का मनाजरा तय हो गया तो मुसलमानों ने शाह साहब से कहा कि आप चलिए आपकी ज़रूरत है कहा बेटा मैं तो बहुत बीमार हूँ कहा थोड़ी सी जरूरत बोले चारपाई पर लिटा कर ले जाओ मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं यह अल्लाह वालों की बात थी कि उनके लिए अपनी जिसम से ज़्यादा रू अहम थी अपनी बीमारी और आराम के मुकाबले में अल्लाह के दीन का काम इंपॉर्टेंट था और अहम था बहरहाल तो उन्होंने बारह कहा कि चारपाई पर ले जाओ स्टेज सजा हुआ था ऊपर को ब्राह्मण भी था मुसलमान भी दूसरी तरफ होंगे मनाजरा हो रहा होगा तो शाह साहब आए का भाई पाँच मिनट की बात है मुझे फिर इजाजत दे देना बड़ी मेहरबानी का एक पानी का गिलास भर के ला दो मुझे पानी का गिलास आ गया शाह साहब ने कहा कि अगर एक शूदर को निचली जात का हिंदू तो उसको बुला लो और इसको जरा स्टेज पे थोड़ी देर के लिए ले आओ कहा बेटा तू पानी पी ले आधा गिलास छोड़ देना उसने पानी पिया और बड़ा डर के बैठा क्योंकि आगे ब्राह्मण बैठा हुआ था जो बैठने भी नहीं देते साथ तो उसके बाद शाह साहब ने कहा अच्छा आधा गिलास छोड़ दे आधा गिलास छोड़ दिया तो उसने गिलास लिया जो उनका पंडित यह बड़ा था ब्राह्मण उसको कहा कि जरा इसको पी लो का राम 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 मैं तो नहीं पी सकता इसको सवाल ही पैदा नहीं होता ये तो आज है शाह साहब ने गिलास लिया इसका शरीफ फीर मसला भी ऐसा ही है और वो अपनी जगह परमिसबिलिटी को मसला नहीं क्योंकि गिलास है और इसमें पानी था इसमें शराब नहीं पी गई और अब भी पानी है नाजायज या आराम से हराम नहीं शाहब ने बिसमिल्ला पढ़ा और तीन गुट में पानी पिया और गिलास वापस किया का असल वरम्ला वाखरोमीन मनाजरा क्या हो गया खत्म कैसी मुस्कुराहट आपके चेहरों पर आई है ना तसुब है ना अरे इंसान है नीचे बिठाते तो अछूस समझते उसको ये तबकाती कशमकश यह कहेंगे ना हम लोग तो जरा अपने भी माशरे का जायजा ले लें आज भी जहात की इंतहा पर पहुंचे हुए बाज लोग हैं सैयद होने के दावेदार हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते दूसरों को क्या पता है ना आपको जी और ये हाईअप है ये वी आई पीस है ये फला हैं। तख कश्म तो तबकती कशमकश तो हमारे भी चलती है। एक और चैम्पियन होने के दावा दावेदार है यूएसए वाले डेमोक्रेसी के चैंपियन है हम तो दुनिया को हमने यह सबक दिया है लेकिन क्या ब्लैक और वाइट का फर्क खत्म हुआ जी अभी जो बाइडन ने भी कुछ बयान देना शुरू कर दी यहूदियों के हक में और वाइट वालों के हक में बड़े पहले दावेदार थे लेकिन ब्लैक और वाइट का फर्क तो खत्म ना हुआ कुरान एक इनकलाबी शान अता करता है इस मामले पर सबको आयत थे करीबा याद होगी सूरह गुजरात की आयत नंबर तेरह या युहन्ना यूहनासुन्ना खलकनाकुम करफ ना करुम इंसानों हमने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से वहदत इंसानियत सारे लोगों के रंग अलग हैं जुबान अलग हैं नस्ल अलग खिते अलग जोराफिया अलग फाइनेंशियल पोजिशन अलग इवन सब लोगों के मज़ाहब भी अलग हैं मगर दो फैक्टर सब में कॉमन है सारे इंसानों का खालिक एक और सबके अवलिन वाले आदम इस नाते इंसानों के नाते सब बराबर हैं बाकी अल्लाह कहते ये कुंबे कबीलों की तकसीम किस लिए है तुम्हारे आपस के तारफ के लिए मकस, अ, 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 अजमत किसकी है भाई कोई काले रंग में पैदा हो गया उसका कसूर क्या है कोई गोरे चिट्टे रंग में पैदा हो गए उसको कमाल क्या है कोई अफ्रीका में पैदा हो गया बेचारे के क्या कसूर कोई अमेरिका में पैदा हो गया उसके लिए क्या प्रेवलेज होने का मामला ये तो इख्तियार ही नहीं है ना गैर इख्तियारी चीजें गैर इख्तियारी चीज पे सवाब भी नहीं आदाब भी नहीं लेकिन गैर इख्तियारी चीज़ों पर अगर हम यह तय करना शुरू कर दें तो किस कदर गिरावट की बात है अल्लाह कहता है इन अकरमा अल्लाह के निगाह में तुम्हें तो सबसे बढ़कर इज्जत वाला वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह सुबहान तआला का तक्वा इख्तियार करने वाला हो अगर ये नॉर्म्स सोसाइटी में हो विदा के खुतबे को भी जहन में ले आइए गोरे को किसी काले पर काले को किसी गोरे पर अरबी को आजमी पर को आजमी पर को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के अगर माल दौलत मैार होगा तो गर्दनें काटेंगे क्योंकि माल मिलना चाहिए और फुला खानदान में पैदा हो जाना यही मैार बनेगा तो लोगों के अंदर इंतार पैदा होगा लोगों के अंदर एहसास कमतरी पैदा होगा माशरा कि अवसर इंतजार का शिकार हो जाएगा लेकिन अगर मैार बने जो खैर में आगे है जो तकवा में आगे है जो नेकी में आगे है जो दूसरों को नफा पहुंचाने में आगे है अगर ये मैार होगा तो माशरे करो क्या होगा माशरे का रुख उमदा होगा सेहतमंद बुनियादों पर माशरे सवार होगा माशरे में कंपटीशन किस चीज़ का होगा खैर में आगे बढ़ने का तो मजमू माशर सही रुख पर ढलेगा ये वो इनकलाबी तसवुर है वहदत इंसानी का और मसाव का जो कुरानी हकीम हमारे सामने रखता है इस नुकते को माशरत के हवाले से भी जहन में बिठा ले जो इस्लाम ने हमें निज़ामता फ़रमाया और ज़िंदगी की तमाम गोशों के लिए रहनुमाई दी वहाँ ये नुकता वसानी का माशरत के हवाले से बड़ा कीमती

एक्सप्लॉइटेशन कुछ लोग अपनी मजहबी इजारा दारी की बुनियाद पर एक्सप्लोइ करें लोगों को बहुत डायरेक्टली बात करो तो उस मोहतरम डॉक्टर शाह फरमाते थे रहमत पे और उर्दू वाला अलिफ बे ते और पे ठीक है अब जो बच्चे कायदा पढ़ रहे हैं वो मेरी गलती ना निकालें कि आपने अलिफ ता क्यों नहीं कहा तो हम इस वक्त कायदे की बात नहीं करें हम उर्दू की बात कर रहे हैं ये बस मैंने बच्चों को एंगेज किया ठीक अलिफ बे ते और पे तो डॉक्टर साहब फरमाते ये पे वाले इन सब ने मसला खराब किया तारीख इंसानी में पे से पंडित पे से परोहत पे से पुजारी पे से पादरी पे से पीर डॉक्टर साहब शायद कहते थे ये पी 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 मगर वहां ना जाइएगा ये पे 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 वाले इन्होंने एक्सप्लॉयड किया इंसानियत को जिमी स्वाइगार्ड का बड़ा मशहूर डिबेट हुआ था शेख अहमद इदाद मरहूम के साथ कुछ हजरात को याद होगा तो जिमी सैगवाड ने कहा था मुझे इतने मिलियन डॉलर्स सिर्फ अपने आप को जो कहते ना बंदा डूब रहा हो तो कम से कम मुंह तो बाहर आ जाए सांस तो ले ले अपने आप को सिर्फ पानी के लेवल से ऊपर रखने यानी मेंटेन करने के लिए फ्लरिश करने के लिए नहीं इतने मिलियन डॉलर्स मुझे मंथली चाहिए और शेख वही अहमदा सुबहानल्ला इश्तर समन खलीला अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत के लोगों ने बेच डाला महा तो कमाया है कन्फेस कर लो बस पादरी के सामने कत्ल करो चोरी करो डाके डालो इंसेस्ट करो मेहरम के साथ तुम जाके इस बतकारी करो बस आके कन्फेस कर लो पादरी के साथ पादरी की मुठ्ठी गर्म करो खुदा तुम्हें बख्श देगा और तुम्हारी जन्नत पक्की सर्टिफिकेट तुम हमसे दे लो यही बुतों की पूजा पाठ करने वाले किसकी बुनियाद पर वो जो बुतों को मैनेज करते थे अबू जहल को पता था इनमें कुछ नहीं है मगर अबू जहल की इकोनॉमी इन बुतों से चलती थी मुशीकी ने मक्का के सरदारों को पता था यह से बनाए हुए कुछ नहीं और कुरान ने कह भी दिया मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है मक्खी के सामने चढ़े हुए नजरानों में से कुछ उठा कर अगर ले जाए छुड़ा भी नहीं सकते इतना बेवकूफ नहीं था अबू जहल इतना बेवकूफ नहीं था अबू लहब द्यू दिस रियालिटी मगरों को पता था अगर हम ये तीन सौ सात उठा देंगे तो हमारी इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा आज हमारे भी कई पैसे जमा होते हैं हमारे भी के चंदे जमा होते हैं हमारे अभी के, के बॉक्सेस रखे जाते हैं हमारे भी लोग चूड़िया खात चूड़ियां छोड़कर जाती हैं कुछ मकामा पर वो उन बुजुर्गों की जेब में जाता है हाँ उनकी कबर में जाता है ये दीन के नाम पर लूट मार करने वालों की जेबों में जाता है इस मजहबी इस कुरान जा दिलाकर ना 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 खारिक और मखलूक के दरमियान कोई परदे नहीं इन पीरान करीसा को हटाओ यहां से शेर तो आपके जहन में आ गया होगा वही दासा अलग इबादी अन्नी फनी करीब जब मेरे बंदे नबी आपसे सवाल करें मेरे बारे में तो करीब हूं इनके उछी बुतावत दाईदादान जब जब पुकारने वाला पुकारे मुझे पुकारे मैं डायरेक्ट उसकी बात को सुनता हूं हुआ तुम तुम जहां अल्लाह तुम्हारे साथ है मेरे बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जियातियाँ कर ली उनको भी कह दें सो मच सो मुफसरी ने कहा मुश्क और काफिर भी तोबा करना है तो ईमान लाना पड़ेगा उसको मुझसे को काफिर भी आ जाए ला तख ना की रहमत से मायूस ना होना इन फिर जमी अल्लाह चाहे तो सारे गुना को बचते तोबा के जिक्र है सच्ची करनी होगी की तरफ किसी दरमियान में किसी को लाने की किसी की मुठ्ठी गर्म करने की और किसी के जरिए आने की और मुठ्ठी गर्म करके पर्ची पहुंचाने की जरूरत नहीं डायरेक्ट अल्लाह से बातें करो डायरेक्ट अल्लाह से बातें करो ये इनकलाबी तस्वुर दिया कुरान ने यह जो मजहब के नाम पर एक्सप्लाइटेशन ये अल्लाह का नाम लेकर कुछ लोगों ने अपने आप को ठेकेदार समझा मजहबी जारा दारी करने वाले उनकी अल्लाह ने मजम्मत फरमाई और बंदों को लिबरेट किया है उनसे ये तस्वुर अता फरमा कर कि खालिफ और बंदों के दरमियान किसी को हायल होने की इजाजत नहीं इसी तरह और इनकलाबी पहलू जहां मजहबी फरमाना चाहता है वहीं सियासी फरमाना फर्मा... चाहता है सियासत के मैदान में आकर कभी एक अकेला तनहा खड़ा होता था अनोर मैं तुम्हारा रब आलाउ खुदाई का दावा करता था कभी सरदारों का निजाम चलता था आज पूरी पार्लियामेंट का निधाम चलता है हम जो चाहेंगे करेंगे और ये एसोसिएशन हुआ करती हैं लोगों की उनके मफादात का जो है वो प्रोटेक्शन करने के लिए कितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं जो इलेक्शन कंपेन के अंदर हुक्मरानों को या बनने वाले हुक्मरानों को सपोर्ट करते हैं कितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं जो आगे सब क्यों उनको आगे फिर उसका बेनिफिट लेना होता है ना इसकी और इससे इस निजात दिलाने के लिए कुरान तसवर देता है इनिल हुक्म इल्ला तीन मरतबा कुरान में सुरयुसुफ किया चालीस में भी अल्लाह के लिए बंदों के लिए हाकमियत नहीं है बंदों के लिए खिलाफत है तुम नुमाइंदे उसके तुम दावेदार नहीं हो खिलाफत तुम हाकमियत के दावेदार नहीं हो इख्तियार है लहो मुल्क समावाती हुआ लौड़ आसमानो जमीन की बादशाह अल्लाह की है यह दुनिया के बादशाह ये तो भिकारी उसके फकर है वह अंत मुल अल्लाह के हजूर फकीर हो तो ये फकीर फक, इंसानों के ऊपर हाकिम बनकर बैठ जाए बंदे बंदों पर क्यों हाकिम बनकर बैठ जाए इस बंदों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए तो अंबी आए थे ना आगे जिक्र आ रहे तो यह कुरान का इनकलाबी तस्वर अमल से फादे हुआ बना के मुसलमान तकदीर का बहाना क्या करे जो हमारी तकदीर पिटने ही पिटना है ना तुम पिटने के लिए नहीं आए हो तुम तो लीड करने के लिए आए हो तुम्हें इंसानियत के लिए खड़ा किया गया खुद इजत नास तुम लोगों के फैसले करने को आए हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना कहिए कि दुनिया तुम्हारे फैसले करे फटरीफ के सारे कवानीन तुम पर लागू किए जाए भारत को कुछ ना कहा जाए तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा करके यहां पर मजहब के नाम पर बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है तुम्हारे लिए जो है वो सेंशन की बातें की जाएं पाबंदियां लगाने की बातें की जाएं तुम इस पिटने के लिए तो नहीं आए थे तुम तो दुनिया को अदल देने के लिए आए हो यह इनकलाबी तसवर इस्लाम अता करता है बंदों की गुलामी से बंदों को निकालना और असल मालिक अल्लाह है उसकी गुलामी में लाना यह नारा कुरान अता करता है इख्तियार फकत अल्लाह सुबहान लिए है सरवरी जेबा फकत जेबा फ़क्तुल्ज़ात बेहमता को है हुक्मरा है एक वही बाकी बुताने आसरी सर वो इकबाल कहते हैं ना दीगरस। ये किताब नीस्त चीज़ें दी गस ये किताब नहीं कुछ और ही शायद और जिनके कुछ वाकयात मैंने उस वीडियो या डॉक्यूमेंट्री से पहले अर्ज किए थे आपके सामने वो कुछ और ही लोग थे वो कुछ आज भी हो सकते हैं कुछ होंगे आज भी और हैं तो फिर उनका, उनकी फिक्र बदलती है, उनकी सोच बदलती है। उनके नजरियात बदलते हैं उनके जज्बात बदलते हैं उनके टारगेट्स बदलते हैं उनकी टेंशन बदलती उनकी फ्रस्ट्रेशन बदल जाती उनकी फिक्रें बदल जाती उनकी परेशानियां बदल जाती अगला नुकता है दसवां नुकता क़्याम किस्त और यह भी इनकलाबी शान कुरानी हकीम ने आता फरमाई इस्लाम अंग्रेज़ी वाला रिलीजन नहीं है जो बाय डिफॉल्ट इनफ़रादी मामल तक महदूद होता है कुछ अकाई डॉगमास कुछ मोड्स ऑफ वर्शिप दैट्स इट इस्लाम दीन है अंग्रेजी वाला रिलीजन नहीं है और दीन वो जो अपना गलबा चाहता है और अल्लाह ने इस नुक्ते को कई पैरायों में बयान फरमाया बहुत बुनियादी सलाह कुरानी हकीम की आदलो किस्त अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों का मिशन बयान फरमाया सुरह अधीत की आयत नंबर 25 में लगातार सल्ला रसूल ना बिल बहियनाद वह अंजल ना माहूम अल किताब � अल्लाह फरमा हमने रसूलों को भेजा हमने मजात अता फरमाए किताबें अता फरमाई शरीयत की तराजू अता फरमाई ये शरीयत की तराजू तोल कर बताएगी किसका क्या हक है किसकी क्या जिम्मेदारी है और क्यों दी मजाद दिए किताबें दी तराजु दी क्यों सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए समझे समझाने के लिए सीखने सिखाने के लिए शाया कर देने के लिए कॉन्फ्रेंसिस कर देने के लिए खिताबात कर देने के लिए बयान दे देने के लिए ये सब भी करने के लिए मगर इन सभी के लिए नहीं फत नासुबिल क़िस्त ताकि इंसानियत किस्त पर आदल पर जस्टिस पर कायम हो वाहन हदीद अल्लाह अकबर बकौल उसाद मोहत्म डॉक्टर इसरा साहब रहमत के इनकलाब के नुकते पर यह गौरिया तरीन आए थे कर्न हकीम की वाज तरीन वाहन हदीद हमने लोहा उतारा है अब वो मिजाज की बात है ना अच्छे बताएं वो जो सूरज की रोशनी जरात आते हैं लोहा उससे बनता है इसलिए अनज्लना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ये लोह अल्लाह ताली ने पैदा किया वो इमी बहसें कर लो कुरान फ़क्त इन इलमी बहसों के लिए नहीं है कुरान नफाश आता अपना किताब नफाश आती है अपना भी कुरानी हकीम देता है मलम यह कामल काफर मल्लम युमान काम मलमान अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे वही तो कुफर कर रहे हैं अमलन वही तो म यानी शिर कर रहे हैं वही तो फिस् यानी नाफरमानी कर रहे हैं ये फतवे अल्लाह तुरानी हकीम तो इस सुरहदी की आयत पच्चीस में वानजल हदीत हमने लोहा पैदा किया फीबास्म शरीर में जंग की सलाहियत है मुनाफे तुम फैक्ट्री में इस्तेमाल करो कंपनी में इस्तेमाल करो घर में इस्तेमाल करो फर्नीचर में इस्तेमाल करो और गाड़ियों में करो ये सेकेंडरी उसका पर्पज है प्राइमरीली ये लोहा ताकत का सिंबल है ताकत किस लिए है? आदल के क्याम के लिए और जालिम और जाबिर जिनके मफादात पर जरब पड़ती है अल्लाह की वही की तालीम और उसके तकादों की यह जालिम और जाबिर सबसे पहले आगे बढ़कर अल्लाह की अता करदा आदलाना तालीम को नाफि करने में रुकावट बनते हैं जिनको सरदार कहते हैं कुरान पिछले अकवाम के बारे में अशराफिया कह लें टर्स कह लें जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनके अपने मफादात जालिमाना जालिमान से जुड़े होते हैं ये ठंडे पेट कभी इसको बर्दाश्त नहीं करते ये तो आगे बढ़कर मुकाबला करते हैं सत्तर कत्ल होते हैं बदर में आकर अबू जहल भी कत्ल हुआ है अपने बातिल निजाम को बचाने और आदल के निजाम में रुकावट डालने के लिए हाया ना <coughs> अच्छा ये बातिल वाले जाने तक दे दें अपने बातिल निजाम के लिए तो हक वाले कुछ दे रहे हक वाले कुछ लगा रहे अरे किसी ने कहा इस्तेकाम सीखने को शैतान से सीखे उसको पता है जहन्नम में जाएगा वो वो जहन्नमियों का लीडर है तब भी मेहनतें कर रहे हैं हमें गुमराह करने की तब भी मेहनतें कर रहे हैं वो सारों को गुमराह करके जन्नत में नहीं जा सकता तब भी लगा हुआ है तो इस्तेमत लेनी शैतान से लो समझने के लिए तो बातिल वाले तो जाने दे रहे हक वाले पसीना भी दे रहे टाइम दे रहे वक्त दे रहे औलाद को दे रहे सलाहियतों को दे रहे एक्सपर्टीज को दे रहे एफर्ट्स को लगा रहे हक वालों को सोचना चाहिए लवन जल्हा हादल खुरआना श्याम तदम खुशियत ये पहाड़ पर नाजिल होता तो तुम देखते हो रेजा रेजा हो जाता ये अल्लाह का कलाम पहाड़ों को हिलाने वाला है मोमिन हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है मेरे दिल और आपके दिल हिल रहे हैं नहीं मेरे दिलों पर आपके दिलों पर कोई जरब पड़ रही के नहीं मेरे आपके दिलों में कोई उमंगें पैदा हो रही की नहीं मेरे और आपके दिल में कोई जज्बात एहसास पैदा हो रहे के नहीं कोई इरादे मेरे और आपके दिलों में पैदा हो रहे के नहीं ये सोचने की जरूरत है ये तमाम पैगंबरों का मिशन आदल का निफास ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिशन सल असल्सूर शूरा आयत नंबर पंद्रह में वह उमिरतुल आदिला बैन को मुझे हुक्म दिया गया तुम्हारे दरमियान आदल को कायम कर दूँ जूर मिशन लेकर आए सल्ला सिर्फ नमाज, नमाजा रोजा हज नहीं सिर्फ दाढ़ी और टोपी खुशबू और मिसवाक नहीं ये सब बजा मगर वहां ताइफ भी है ना हिजरत भी है, ओहद भी है बदर भी है पेट पर पत्थर भी है सत्ता साहबा की जानों के नजर आने के मौके पर भी है दो सौ तिहत्तर दो सौ उनसठ सहाबाग का मुश जानों के नजर आने तेईस बरस की जिंदगी के दौरान भी है यह इस मिशन की तकमील के लिए कि मैं अदल को कायम कर दूं अल्लाह के रसूल का मिशन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और याद रखिएगा अल्लाह अपनी शान बयान फरमाता है सूर आर इमरान आयत नंबर अठारह में कौ इम बिलकस्त अल्लाह किस्त का कायम का करने वाला है आदल का जस्टिस का। उस शान का इजहार उससे पैगंबरों के जरिए करवाए कि अदल को कायम करने की जिद्दोजहद करें और अल्लाह ने बिलफेल नफास फरमाया अपने रसूल के हाथों मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों सल्ला और आज उसकी जिम्मेदारी आपके कानों पर है किस्त के अदल के निजाम के क्याम के लिए सुर न एक जगह इशाद फरमाते एक जैसे हैं कून कमीना बिलकस्त ईमान वालों खड़े हो जाओ किस्त के आदल के कायम करने वाले बनकर आखिरी नुकता कुरानी हकीम का इनकलाबी मंशूर इसके तसलसल में और वो है ये कुरान अल इनकलाब है इस मौजू पर एक बहुत खूबसूरत तहरीर है बानी मोहतरम बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर शाह साहब रहमत कुरान और जिहाद बहुत ही खूबसूरत बहुत उनको पसंद थी तंजीम इस्लामी कोफ़ात तो ज़रूर दोहराते रहें और बाकी हमारे हजरात और ख़वात भी उससे इस्तीफ़ा करें आ, दो किताबों का जिक्र आएगा उसमें भी उम्मीद है कि आपको ये सारे हवाला जार जो दिए जा रहे किताबचे उसमें कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगे डॉक्टर साहब का उसी किताबचे का एक पैराग्राफ वो मैं अपने अल्फाज में आपको यूं सुनाई देता हूँ कुरान हकीम ने क्या किया है कुरानी हकीम ने इनके दिलों को बदला इनके दिमागों को बदला इनकी उमंगों को बदला इनकी ख्वाहिशात को बदला इनके नजरियात को बदला इनकी फिक्रों को बदला इनके दिन को बदला इनकी रात को बदला इनकी सुबह को बदला इनकी शाम को बदला इनके अमाल को बदला इनके अकाइद को बदला इनके किरदार को बदला इनके अखलाक को बदला इनके घरों को बदला इनके माशरों को बदला इनके जमीन व आसमान को कुरानी हकीम ने बदल दिया ए आल या, आले या सबर करना तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है और या जाते हैं शहीद होने के लिए और हमारी बहनें सुने पहली जान दो पहली जान जान तो दी गई है जो शहीद की गई वह हजरत सुमैया की रजी अल्लाह तन जो अल्लाह के रसूल की शरीयत की मेहनत के दौरान में सबसे पहले खातून की शहादत हुई बिलाल ने भारी पत्थर बर्दाश्त किया है सीने पर खून की उल्टियां बर्दाश्त किए रजियाल्लाबाब ने दहकते अंगारे बर्दाश्त किए रजियाल्ला गुलाम और कनीजों ने बर्दाश्त इतना किया है कि सरदार कहते तो तुम्हें मार मार के थक गए हैं इसलिए छोड़ रहे हैं कोई तरस नहीं आ रहा और वो गुलाम और कनीज मारे खाते गए ये कुरान था जिससे पहले इनके अंदर इनकलाब बर्पा किया ये वो कुरान था जिन्होंने तेरह बरस इनमें ईमान की मेहनत की ये वो कुरान थे जिन्होंने अल्लाह वाले प्रोड्यूस किए उस तेरह बरस के बाद बदर में तीन सौ तेरह नजर आते हैं इस हकीम के जरिए अफ़राद बदले और यही हुजूर का बुनियादी तरीके जरिए इक़ामत दीन के जिदोजहद का आगाज दावत इसके जरिए तरबियत इसके जरिए तस्किया इसके जरिए आयात हीताबल इस, आया, इस कुरानी की आयात की तलावत इसके जरिए तस्किया इसके अहकाम की तालीम और

तो बुनियादी मेहनत अफराद में इनकलाब बर्पा करने की होगी उस इनकलाब का आला हकीम। इस सवाले से वह किताबी अहम बानी जिहांजीम इस्लामी रहा का जो खिताब है रसूल इनकब का तरीक इनकलाब नबी का तरीक़ार क्या था उसमें भी इस नुकते को उन्होंने वाज फरमाया उस किताबचे का मतला रसूल का तरीक इंकलाब या उस किताब का सुना जाना और फकए तंजीम को तो मैंने इजमा के मौके पर टारगेट दिया कि वीडियो देखना है आपने रसूल इकताब का तरीक़िन कलाब अगर इस सबसे कोई ख्वाहिश कोई एहसास कोई इरादा भी दिल में पैदा हुआ है अभी मांगे दुआ तो बाद में होती रहेगी अभी दिल में मांगे अल्लाह हमने तो बड़ी कुरान की हकीम के बारे में कोत ही ये कुरान तो हिला देता है लोगों को और मैं आपको दावत दूँ जो लोग आज रिवर्टेड मुस्लिम्स हैं गैर मुस्लिम से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं हज़रा ख़्वीन खुदार उनकी ज़िंदगी को पढ़ लें हमसे हज़ार गुना बेहतर मुसलमान हैं इसलिए कि शायद शायद हमें से बहुत से लोग बाई चांस मुसलमान हैं और वो लोग बाई चॉइस मुसलमान हैं और कुरानी हकीम ने उनको पजेस किया है अल्लाह करे ये कुरानी करी मुझे और आपको भी पज़ेस कर ले और इसके हकूक़ अदा करने वाले हो जाएँ व आखिर दावाना रबीआल